हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो कि आपके सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने की, तो ए ऑप्शन दिया है मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दिया है हेनरी बेकरॉल, और सी ऑप्शन है रदरफोर्ड, यहाँ पर आएगा आपका रदरफोर्ड, और बी ऑप्शन है फ्रेंड्स हाइजेनबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है हेनरी बेकरॉल, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेनरी बेकरॉल। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि गामा किरणें है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन दिया है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ऑप्शन दिया है न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन दिया है उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है फ्रेंड्स, कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया यूरेनियम की, बी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट की, और सी ऑप्शन दिया कैडमियम की, और डी ऑप्शन दिया प्लूटोनियम की। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम की, यानी कि कैडमियम क्या होता है फ्रेंड्स, सी डी होता है, इसका प्रतीक जो होता है वो आपका सी डी होता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है फ्रेंड्स, कि परमाणु भट्टी में, देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, ए ऑप्शन दिया है विमंडक का, सी ऑप्शन दिया है नियंत्रक, बी ऑप्शन दिया है नियंत्रक का, सी ऑप्शन दिया है शीतलक का, डी ऑप्शन दिया है ईंधन का। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा विमंडक का, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं पाँचवा प्रश्न। तो देखिए, जो आपका पाँचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो पाँचवा प्रश्न दिया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज किसने की, तो देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया आपका मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दिया है बेकरॉल, सी ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया आई क्यूरी तथा जोलियट। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पाँचवा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई क्यूरी तथा जोलियट, यानी कि बी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चले देते हैं क्वेश्चन नंबर छवां। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर वहाँ पर सिक्स जो दिया है फ्रेंड्स, वो आपका है कि परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। देखिए, जो परमाणु का नाभिक होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस जो होता है फ्रेंड्स उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया अल्फा किरण है, बी ऑप्शन दिया बीटा किरण है, और सी ऑप्शन दिया गामा किरण है, डी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर जो आपका छवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब तो देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए, जो आपका सातवां प्रश्न है, यहाँ पर आपका दिया है फ्रेंड्स कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, ए ऑप्शन दिया अल्फा कणों की, बी ऑप्शन दिया बीटा कणों की, सी ऑप्शन दिया गामा कणों की, डी ऑप्शन दिया नॉन आयनीकरण, इसमें से कोई नहीं। ये फ्रेंड्स, अल्फा कणों को हम ऐसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा को हम बी से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और गामा को हम ऐसे वाई जैसे बनता है इससे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका सातवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अल्फा कणों की। अब चले देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए, जो आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, वो आपका है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि ए ऑप्शन दिया है अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन दिया है अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन दिया है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और डी ऑप्शन दिया है कम ताप की आवश्यकता होती है। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका आठवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नौवां प्रश्न। देखिए, जो आपका यहाँ पर नौवां प्रश्न दिया है कि किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य है, तो ए ऑप्शन दिया है बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन का निकलना, बी ऑप्शन दिया है नाभिक से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और सी ऑप्शन दिया है नाभिक से न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, और डी ऑप्शन दिया है नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका नौवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका दसवां प्रश्न यहाँ पर है वो आपका है कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो ए ऑप्शन दिया है अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, बी ऑप्शन दिया है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, और सी ऑप्शन दिया है परमाणु बम विस्फोट में सहायता, और डी ऑप्शन दिया है नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दसवां है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।